बहुत लोग तो मुझे कमेंट करके और इंस्टाग्राम डीएम में मुझे ये पूछा है कि मुझे सीयूटी में इतना स्कोर मिला है, क्या मुझे टॉप कॉलेज जैसे एसएससी हंसराज ये मिल पाएगा कि नहीं। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि कैसे आपको एम करना है, साथ ही साथ आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि कैसे आपको स्ट्रैटेजी फॉर्म करना ताकि आप एम कर सकते हैं टॉप कॉलेज और आपको मिल भी सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन वीडियो के बढ़ने से पहले जो भी नए हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है आंसर की में तो आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, वहाँ पे एसएससी एस्पिरेंट्स और टॉपर्स लोग भी है सीयूटी जो आपस में हेल्प कर रहे हैं, तो आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो जो ये बोलना चाहता हूं कि आप लोग का जो नॉर्मलाइजेशन है वो एक अलग प्रोसेस है। आप लोग डिफरेंट फेज में एग्जामिनेशन दिए, तो जो फेज वन है वो कंपैरेटिवली इजी आया था, एंड फेज फोर और फेज सिक्स है। तो फिर फेज फोर का अगर आपको 700 भी मिल रहा होगा ना, फेज वन में 800 ऑफ 800 भी मिल रहा होगा ना, तो इक्विवेलेंट चांसेस है कि आपका सिलेक्शन टॉप कॉलेज जैसे एसएससी हंसराज हिंदू में हो जाए। आपको कॉलेज प्रेफरेंस कैसे डालना है, क्या आपको कॉलेज प्रेफरेंस चेंज करना है अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, बिल्कुल भी मत करिएगा। आप लोग हमेशा एम करेगा फर्स्ट टॉप कॉलेजेस को। अगर मेरा बीकॉम ऑनर्स है, अगर मेरा 650 मार्क्स भी आउट ऑफ 800, फिर भी मैं टॉप को एसएससी ही दूंगा। और अब कॉलेज प्रेफरेंस पे भी एक अलग से वीडियो आ जाएगा जहां पे आपको पता चला कि कैसे कॉलेज प्रेफरेंस आपको देना है, लेकिन एक चीज याद रखें कि आपको हमेशा टॉप कॉलेज देना है। अब बात करते हैं आपका सीयूटी स्कोर पे कि क्या मेरे जो इतना स्कोर पे कॉलेज में मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। अगर आपका 650 और 700 भी आया ना, फिर भी आपका हो जाएगा एसएससी में, अगर वो पेपर हार्ड आया होगा तो। फिर यही होता है मैटर नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का। तो आप लोग स्कोर से अभी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आपको कौन सा कॉलेज में मिलेगा ना, कि ये तो ऐसे भी कट ऑफ कोई रिलीज नहीं हो रहा है। तो आप लोग कुछ भी, कोई भी यूट्यूबर बोलता है ना कि ये कॉलेज में मिल जाएगा आपको, ये गलत है। तो अभी आप कुछ भी नहीं, आपका 1% स्टेज पे है अभी आपका ओबी, और वो भी ये प्रोविजनल आंसर की, फाइनल आंसर की रिलीज भी नहीं हुआ। फाइनल आंसर की आने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल स्कोर कितना है। फिर सीयूटी रिजल्ट आएगा, अभी कल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉमन पोर्टल खुल जाएगा मंडे को, और वहां पे आपको सारा डिटेल्स अच्छा से भरना है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉमन पोर्टल जब खुलेगा तो मैं डालूंगा वीडियो आपको कैसे भरना चाहिए, तो वो वीडियो देख के ही भरिएगा। आज के लिए बस इतना ही, शॉर्ट वीडियो था। लाइक कर दीजिएगा ताकि ज्यादा रीच हो जाए, और कमेंट करके बताइएगा आपको कितना स्कोर है, फिर भी मैं प्रेडिक्ट करूंगा। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।